प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 जून को जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित दौरे की जिला प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। जिलाधिकारी ने कहा चारों कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पुख्ता इंतजाम, सभी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। पांच पशु तस्करों को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 गौवंश, 1 बिना नंबर प्लेट की पिकअप गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 150 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर धौस जमाने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। उरुआ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मरचा में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने लगाया चौपाल। कहा चौपाल में अधिकतर मामले भूमि विवाद व विकास से आए, संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। जून को डॉक्टर को असलाह सटाकर लूट करने वाले फरार चल रहे तीसरे अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 2,270 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। नगर निगम के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के कार्यों को शुरू करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व सैनिक बंधुओं के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। चार जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जनपद में दौरे को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने नौकायन का किया निरीक्षण। कहा शाम के समय में राष्ट्रपति नौकायन पर देखेंगे साउंड एंड लाइट शो, सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है कड़ा इंतजाम। और यूपीएससी परीक्षा में 54वां रैंक लाने वाले सहजनवा के अर्पित गुप्ता ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से की मुलाकात। जिलाधिकारी ने मिठाई खिलाकर अर्पित गुप्ता व लेखपाल केदारनाथ शुक्ला को दी बधाई व शुभकामना, दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना।